हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉलमी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का स्पॉयलर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोजिटा बोलते हैं कि क्या हुआ, गुस्सा हो गया क्या, तुम अपने आप को उतना तेज़ फील नहीं कर पा रहे हो जितना पहले कर पा रहे थे। ओल्ड मैन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम दोनों सेम नहीं है, शायद से मेरा पावर लेवल वेजिटो की तरह ही होगा, पर यही पर ही हमारी सिमिलैरिटीज खत्म होती है। मैं अलग तरीके से लड़ाई करता हूँ और खुद को भी अलग तरीके से डिफेंड करता हूँ, और वेजिटो के अंदर से मैं तुम्हें काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। मुझे काफ़ी अच्छे से पता लग चुका है कि तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल क्या है। मैंने तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर लिया, और वेजिटो के मुकाबले मेरे पास ज़्यादा टाइम था उसको प्रोसेस करने के लिए। तुम्हें हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर मैं इस मुश्किल काम को ज़रूर करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हें काफ़ी आसानी से हरा के रख दूंगा। इस बात को सुनकर मिशिमा बोलते हैं कि तुमने मुझे डाउनलोड किया, आखिर तुम जैसे सेयंस के पास इस तरीके की बकवास बातें आती कहाँ से है, और अगर ऐसी बात है तो इसे डाउनलोड करके दिखाओ कुत्ते। मिशिमा के ऐसा बोलते ही एकदम से मिशिमा अपने थर्ड आई से अटैक करता है गोजिटा के ऊपर। यह अटैक काफ़ी तेज़ी से गोजिटा की तरफ जा रहा होता है, पर वहीं पर गोजिटा ही की जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है, और इसके नेक्स्ट पेजेस में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, पर यह अटैक गोजिटा को नहीं लगा होता। गोजिटा अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। गोजिटा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये चीज़ मेरे ऊपर काम करेगा? मैंने ये टेक्निक पहले भी देखा था, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। अपने अटैक को इस तरीके से बेकार जाता देख मिशिमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मिशिमा बोलते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, मुझे तुम्हें पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था बेवकूफ़ कीड़े कह के। मिशिमा के इतना बोलते ही मिशिमा ज़बरदस्त अटैक करने लग जाता है गोजिटा के ऊपर, और अब मिशिमा चारों तरफ से गोजिटा के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर हम देखते हैं कि गोजिटा को एक भी अटैक नहीं लगता, और गोजिटा काफ़ी आसानी से मिशिमा के सारे अटैक को डॉच कर देता है। गोजिटा बोलता है कि मैंने इस तरीके से तुम्हें नहीं कहा था काजुआ, मैंने तुमसे कहा था कुछ न्यू ट्राई करने के लिए, पर तुम तो मेरे ऊपर वही पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो फिर से। फ़र्क बस इतना है कि तुमने इस अटैक की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है, पर इस अटैक की क्वालिटी अभी भी वही है, ना ही तो ये अटैक पावरफुल है और दूसरी तरफ ये अटैक काफ़ी सारा स्लो भी है। ये बोलते हुए भी गोजिटा मिशिमा के सारे अटैक को डॉच कर रहा होता है, पर एक अटैक गोजिटा के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से निकलता है। गोजिटा उस अटैक को डॉच तो कर देता है, पर वो अटैक जाकर एकदम से उस टावर से टकराता है, जिसके वजह से वो टावर बिल्कुल ही टूट जाता है। इससे गोजिटा को पता लग चुका होता है कि मिशिमा के अटैक्स अब भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। गोजिटा एकदम से पीछे पलट कर देखता है, और गोजिटा बोलता है कि ये काफ़ी नज़दीकी मामला था, अगर मैं एक मूव गलत करता तो ये अटैक मुझे लग जाता और सब कुछ ख़त्म हो जाता। जल्दी गोजिटा को ये एहसास हो जाता है कि उसे मिशिमा के ऊपर अटैक करना होगा, नहीं तो वो इस फाइट को नहीं जीत सकता। वो खुद को डिफेंड करके लड़ाई को बस लंबा और स्लो कर सकता है। गोजिटा बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं काफ़ी टाइम तक बैकफुट में रहा, अब वक्त आ चुका है कि इस चीज़ को बदलने का, अब मेरी बारी दोबारा आ चुकी है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नया दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नया दिखाने जा रहा हूँ, कुछ ऐसा जिसे वेजिटो ने तुम्हें कभी भी नहीं दिखाया। गोजिटा के ऐसा बोलते ही गोजिटा एकदम से एक फैमिलियर सा पोस्चर बनाने लग जाता है, और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये भी रिवील हो जाता है कि गोजिटा आखिर कौन सा अटैक करने जा रहा है मिशिमा के ऊपर। गोजिटा एकदम से अपने हाथ के ऊपर स्टारडस्ट बना लेता है। जैसे ही गोजिटा स्टारडस्ट अटैक बनाता है, वैसे ही गोजिटा बोलता है कि स्टारडस्ट ब्रेकर, और एकदम से स्टारडस्ट ब्रेकर अटैक को शूट कर देता है मिशिमा के ऊपर। ये अटैक काफ़ी तेज़ी से मिशिमा की तरफ जा रहा होता है, पर वहीं पर मिशिमा को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किस तरीके का अटैक है। यह अटैक देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाता है मिशिमा के, और इसी के साथ ये स्पॉइलर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।